flash the lights, but it's camera time. Said take the picture, but you rolled your eyes. Now I'm mortified and still terrorized. Bye. You don't like the lights, but it's camera time. Said take the picture, but you rolled your eyes. Now I'm mortified and still terrorized. Push me behind to get me from my better side. I wanna push you back, but that's all you want. Wanna rub me up, I'm holding. Good morning, dosto. Kaise hain aap sab? Welcome back to my न्यू ब्लॉग. आज है वेडनेसडे, 9:30 का टाइम है, मॉर्निंग के 9:30 हो रहे हैं. हर्षी स्कूल जा चुका है, नहा धो के पूजा पाठ करके मैं जस्ट फ्री हुई हूँ. मौसम देखो कितना बढ़िया है, धूप खिली है चारों तरफ. और इस वक्त मैं जा रही हूँ शॉप तक दूध लेने के लिए. सोचा ब्लॉग की स्टार्टिंग भी कर लूँ. मौसम है एकदम प्लेजेंट, धूप खिली है चारों तरफ. आजकल की धूप इतनी अच्छी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है मौसम, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, नॉर्मल सा है. अच्छी लगती है धूप. नहाने के बाद थोड़ी देर धूप में आ जाओ बाल सुखाने के लिए तो बहुत अच्छा लगता है. रोड पे इतना ट्रैफिक होता है, इतना शोर होता है इस वक्त बहुत ज़्यादा, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है. स्कूल जाने वाले, ऑफिस जाने वाले भाग रहे होते हैं. मैं दूध ले आती हूँ, फिर बात करते हैं. दूध तो मैंने बॉईल करने के लिए लगा दिया है. दाल देखिए, देखिए आज मैं मलका की दाल बनाने वाली हूँ. एकदम सिंपल सादी सी दाल, मलका की दाल, और राइस खाने का मन कर रहा है आज. जब तक दूध बॉईल होता है तब तक देखते हैं कुछ और कर देते हैं. आ जाओ खाना खा लो. हर्षित खाना बन गया? यस, चपाती तो बन गई, राइस बनने बाकी है. आ जाओ पहले खा लो. जी 1 o'clock हो रहा है और ये देखिए हर्षित भी आ चुका है स्कूल से. ये जिंदगी का ऐसा समय है जिस टाइम पे मैं पता नहीं क्या करूं. क्यों? रिचार्ज खत्म हो, इसके डाटा खत्म हो चुका है फोन का, तो ये बड़ा उदास बैठा हुआ है. तो खाना खा लो पहले. एक स्पून ले ले राइस, अभी ठंडे होने के लिए रखे हैं पहले. अब चपाती खा लो. आज इसने पहली बार राइस मांगे हैं मुझसे, वैसे ये राइस कम ही खाते हैं. प्याज नहीं है काटा बेटे मैंने. ओ मिर्ची ले, अनियन वो वाला मिर्ची ला, अच्छा नहीं है. सैलेड वाला अनियन दूसरा होता है, सिरके वाला प्याज मैंने बनाया ही नहीं अभी. तो अभी हर्षित तो कर रहा है लंच, मुझे लंच नहीं करना है क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था, थोड़ा सा हैवी. अभी खाना नहीं खाऊंगी मैं. खाना वाना खा के हम निकलेंगे रामपुर के लिए. इसके जो पैर का जो चोट है वो हील नहीं हो रही है प्रॉपर, तो देखती हूँ एक बार डॉक्टर को दिखा ही देती हूँ. वैसे तो मेडिसिन है मेरे पास, ये भी टेडिन ही लगा रही थी मैं इसको, पर आज मैं देखती हूँ कुछ खाने वाली दे देंगे वो हील होने के लिए. तो इसको भी दिखा के आती हूँ, और दिशा जो मेरी फ्रेंड है उनके साथ भी थोड़ा सा, उनसे भी मिलके आती हूँ, घूम फिर के आते हैं. अभी हर्षित खाना खा रहा है, फिर करते हैं बात जरा. अर्शु पेपर कैसा हुआ आपका? अच्छा. कितना अच्छा? बहुत. संस्कृत का पेपर था इसका, वैसे तो इजी आया था. बाकी देखो जी बच्चे तो बोलते हैं अच्छा हुआ है, अच्छा हुआ है. पता चलेगा रिजल्ट पे, जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा कि बच्चों ने कितनी कितनी मेहनत करी है ना. दाल सही बनी है? हाँ. तो जी हम हो चुके हैं रेडी जाने के लिए. ये रहा मेरा बेटा जी. हेलो. हेलो, हाय. चलो फिर, चलो चलो. 2 बजे का टाइम दिया है उन्होंने, 2 बजे का टाइम दिया है, तो अभी 1:30 बजा है. 15 मिनट ही लगेंगे हमें पहुँचते पहुँचते. काफ़ी टाइम से हम मिले नहीं हैं. उनको मार्केट से कुछ शॉपिंग करनी है तो उनको मेरा साथ चाहिए ऐसा है कुछ शायद. I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. अर्जी तो जी आज हम पैदल पैदल जा रहे हैं मार्केट की तरफ. नो ऑटो, मोटापा कम करना है मैंने इनका. अगर हम ऑटो में जाते हैं ना तो हमारे पैसे खर्च हो जाते हैं और मोटापा भी कम नहीं हो पाता है ना. अब आपकी ट्यूशन खत्म, अब आप फ्री हो? हाँ हाँ. चलो बढ़िया. घूमने जाएंगे रोज ही रोज. दिल्ली 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 बस गई मेरी. धूप बहुत तेज है, गर्मी बहुत हो गई है ना.
सतलुज कैफ़े हिमाचल टूरिज्म वालों का होटल है ये। यहाँ पे कॉफ़ी बहुत महंगी मिलती है, मैंने भी पी है। कितनी कितनी महंगी मिलती है कॉफ़ी? है यहाँ सारी चीज़ें, सारी चीज़ें महंगी हैं। हिमाचल टूरिज्म वालों के होटल में खासकर रामपुर के अंदर ना है थोड़ी सी कॉस्टली है। जो नौनब है वो भी हिमाचल टूरिज्म का है, वो तो प्राइवेट है, वहाँ भी काफ़ी महंगा देखा मैंने एज़ कम्पेयर टू अदर ना। खाना काफ़ी एक्सपेंसिव है, हाँ है नहीं इतनी क्वालिटी इतनी होती नहीं है जितना महंगा होता खाना। ये देखिए ये है ब्रो, इस गांव का नाम ब्रो है, गांव ही बोलेंगे इसको क्योंकि ये पंचायत के अंडर है अभी, है ना। हाँ। ये देखिए काफ़ी फैला हुआ है ब्रो, है ना। हाँ। उधर जगात खाना है, इधर ब्रो है, ये देखिए पीछे काफ़ी ऊपर तक है घर, जो ब्लू वाली बिल्डिंग है ना, ये वाली हाँ ब्लू बिल्डिंग, ये मेरी चाची का घर। नहीं वो तुझे मुझे गलतफहमी हो गई थी यहाँ पे बहुत रही हूँ मैं, जब मैं लीलावती नर्सिंग होम में थी ना जॉब करती थी जब, तब मैं यहीं से जाती थी, मतलब घर नहीं जाती थी निर्मल, इधर से ही आती थी। जा रहे हो आप मुझे खुफिया जगह? मेरा पार्लर है ये, कितना खूबसूरत और स्पेशियस है। यूजुअली पार्लर इतने स्पेशियस होते नहीं है ना, छोटे छोटे हैं। रामपुर में रहता है इकलौता पार्लर ऐसा है जो इतना बड़ा है, आप लेट भी सकते हो यहाँ। देखिए परमात्मा को प्यारे देखिए हम आने चाहिए इस पराठा खाने के लिए, बहुत बढ़िया है चाइनीज पराठा, बहुत टाइम के बाद खा रहे हैं, है ना सर। चलो हाय करो, हेलो करो, देखा आऊंगी फिर आप। गाड़ी हमने लगा दी है, अब जाएंगे हम इनके घर यहाँ से। कौन को जय जी नमस्ते, कैसे हैं आप? ये देखिए ये है रास्ता मेरी फ्रेंड के घर के लिए, यू कैन सी द चढ़ाई। एक बात बताऊं, ऐसी चढ़ाई में आप डेली अप डाउन करोगे ना आपका वेट 10। शिट, आज मैंने सोचा था कि मैंने अपना वेट करवाना था और ना वहां थी, क्योंकि मेरे को ना बहुत ऐसे बोला कि मैं वीक हो गई हूँ और मैं वही भूल गई वहां पे था अभी एक। हाँ थी, मैंने सोचा था, मैं मन भी कर रहा था, एक बार मैं सोच रही थी कि वेट कराऊं, आपने मुझे बोला क्यों नहीं, मेरे को याद आ जाना था। मन में ही सोचा मैंने, मन में क्यों सोचा बता ही देते खुल के। ये देखो जरा मैडम जी को थकान हो रही है और मैं फटाफट चल रही हूँ। कहाँ से? अच्छा ये शॉर्टकट है। ये देखो ये खूबसूरत सा मकान है मेरी फ्रेंड का, आंटी। हेलो, हाय बेटा, कैसे हैं आप? मोटू सेठ, ये रहा मेरा लल्ला। मुझको भूख लग रही है। तुझको भूख ही लगती है हमेशा? मैंने कुछ खाया ही नहीं है। कोई ना, आ रहे हैं इनके पास। क्या किया आपने इतनी देर? कुछ नहीं। कुछ क्यों नहीं किया? ऐसे घूम रहे थे, टीवी देख रहे थे। हम लोग जूते यही खोलने पड़ते हैं ना, मैं भूल जाती हूँ। हाय हे टिन, मेरी गिफ्ट घर से बाहर है, चलो बहुत लगाए थे, सूख गया था ज्यादा। नहीं अच्छे लग रहे हैं यार, ये देखो ये वाला बहुत सुंदर है। हाँ सुंदर है, रेड भी अच्छा लग रहा है इसमें। ये कैसे, क्या है ये वाला? ये सूखा यार, और ये वाला, ये भी बड़ा अच्छा लग रहा है ये वाला। ये उनसे लाए थे, जी जी है ना जो हमारे शिकावल है वो है। यहाँ से ना बड़ा अच्छा दिखता है आपका, है ना, व्यू बढ़िया है, व्यू अच्छा है। नंगी नंगी धारें देखो, वाला पेड़ एक भी नहीं दिख रहा। ये है रंदल, सामने वाला गांव, ये वाला गांव। इस वक्त हूँ मैं अपनी फ्रेंड के घर पे बालकनी में खड़ी हूँ। इनके घर से देखिए कितना बढ़िया दिखता है, एकदम पीसफुल जगह पे बनाया है उन्होंने, गांव शांत है, गाड़ियों का शोर बिल्कुल भी नहीं सुनाई देता। थोड़ा सा है चलने के लिए, चढ़ाई है ज़्यादा नहीं है। ये देखिए पीछे ये है रंदल, ये वाला गांव रंदल गांव है, ये वाला मेरी बुआ का गांव है, ये मेरी बुआ की शादी हुई है इस गांव में। चाय वाय पी के फिर चलते हैं घर की तरफ। गाइस हम फाइनली निकल चुके हैं घर के लिए, मज़ा आ गया।
I won't look back when you're around. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate to call me back, 'cause I won't be there. I won't look back when you're. हम फंस चुके हैं जाम में. क्या हो रहा है ये, क्यों रुकी है गाड़ी इतनी देर तक? पता नहीं, बसेस भी रुकी हैं. पीछे लग चुका है जाम, चल पड़ी है गाड़ियाँ. उस बस में ही थी कुछ प्रॉब्लम है ना. तो जी 6 o'clock का टाइम हो रहा है, शाम के 6 बज रहे हैं. आते आते 1:30 पे हम निकले थे, 6 बजे पहुंच रही हूँ मैं. एग्जैक्ट ये देखो कहाँ गई घड़ी, ये देखिए एग्जैक्ट 6 o'clock हो रहे हैं. हर्षित तो आते ही निकल गया अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर खेलने के लिए. दिशा के घर में जब भी जाती हूँ, आंटी जी तो बिना खाए पिए, पता है वो मुझे छोड़ ही नहीं रहे थे. डिनर करके जाने के लिए कह रहे थे कि डिनर करके जाना. अच्छा कि एग्ज़ाम ना होते तो चलो रुक भी जाते हैं, बट नहीं. तो फिलहाल देखती हूँ, डिनर भी मैं कुछ नहीं बनाऊँगी क्योंकि मेरी दिन की मलका की दाल भी बची है. और देखते हैं अर्षित क्या कहेगा. अभी तो फिलहाल वो चला गया है बाहर. चाय भी मुझे अभी नहीं पीनी है, थोड़ी देर रिलैक्स करती हूँ. गुड इवनिंग दोस्तों, टाइम हो रहा है 8 o'clock का. मैं 6 बजे आई थी मार्केट से वापस और 2 घंटा बस ऐसे ही निकल गया, थोड़ी देर रेस्ट किया. फिर हर्षित तो बच्चों के साथ चला गया था खेलने के लिए, मैं भी थोड़ा सा निकल गई थी बाहर. तो इस वक्त 8 बज रहे हैं. डिनर हमने कुछ भी नहीं बनाया क्योंकि दिन की दाल अभी तक एज इट इज़ मेरे पास पड़ी है और राइस भी है थोड़े से, क्योंकि हर्षित ने खाना खाया था दिन में जब हम निकले थे मार्केट के लिए. मैंने तो ब्रेकफास्ट किया था, ब्रेकफास्ट मेरा हैवी हो गया था तो मैंने लंच भी नहीं किया. तो मार्केट में हमने, दिशा ने और मैंने, चाइनीज़ पराठा खा लिया था. काफ़ी हैवी होता है, मतलब पूरा एक परांठा 2 लोगों के लिए सफिशियंट होता है, एक बड़ा पिज्जा जितना हो जाता है ना, हैवी पिज्जा के इक्वल ही होता है, साइज भी पिज्जा जितना ही होता है बड़े वाला. बट और उसके बाद हम आ गए थे दिशा के घर पे इसको लेने के लिए, क्योंकि हर्षित दिशा के घर पे ही था, बच्चों के साथ खेल रहा था, इसको मार्केट नहीं आना था. फिर वहां जाके भी मोमोज खाए, पापड़ खाए, चाय वाय पी, बड़ी अच्छी खातिरदारी करी, भाई मजा आ गया. हमेशा ही करते हैं ब्लॉग में, तो मैं फर्स्ट टाइम बोल रही हूँ, हमेशा ही करते हैं उनके घर जब भी जाती हूँ. इवन आज तो वो वापस आने भी नहीं दे रहे थे, पर हर्षित की एग्जाम है तो आना तो था ही भाई घर, ऐसा तो नहीं होता है. तो खाना वाना हम नहीं खाएंगे, हम देखिए फ्रूट्स खा रहे हैं, इधर मैंने फ्रूट्स कट कर रखे हैं. बट आज पूरे दिन की अगर बात बताऊँ तो बहुत मजा आया. इवन दिशा के साथ मैं काफ़ी टाइम के बाद गई हूँ मार्केट, इससे पहले पता नहीं, मतलब काफ़ी टाइम हो गया उनके साथ मार्केट गए हुए, क्योंकि वो ट्यूशन करती हैं, उनकी एकेडमी है तो उनके पास टाइम नहीं होता है. आजकल एग्जाम चल रहे हैं तो साइंस और मैथमेटिक्स के ऑलमोस्ट पेपर हो चुके हैं बच्चों के, तो वो भी फ्री हैं क्योंकि वो मैथ्स और साइंस ही पढ़ाती हैं ज़्यादातर, बीएससी है वो, तो इसलिए उनके पास भी टाइम. कहते काफ़ी दिन से जा नहीं पा रहे थे, बोलते आप आ जाओ साथ में, थोड़ा सा कुछ सामान खरीदना था उनको, मैंने कहा चल पड़ते हैं. तो ऐसा रहा मेरा आज का दिन, होप सो आपको पसंद आई होगी मेरी आज की वीडियो. मिलती हूँ आपको एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ. सो डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू योर चैनल. चीयर्स बेबीज ब्लॉग फन एंड मस्ती. गुड नाइट, टेक केयर.